न्यूज स्टोरी नेटवर्क के उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इस खास बुलेटिन में हम आपको खबरों के साथ साथ हर रोज उत्तराखंड की एक जानी मानी हस्ती के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। उत्तराखंड का विधानसभा सत्र शुरू, 4,000 करोड़ से अधिक का अनुपूरक बजट पेश। कोरोना के नए वेरियंट से देश से मची खलबली, ब्रिटेन से आने वाली सभी फ्लाइट की बैन। बैंक ऑफ बड़ौदा में भर्ती का सुनहरा मौका, इच्छुक उम्मीदवार 8 जनवरी तक करें आवेदन। एंड्रॉइड और आईफोन यूजर्स के लिए गूगल फोटोज का नया फीचर लॉन्च, अब चुटकियों में 2D फोटोज को बनाएं 3D। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड में 3 दिन के विधानसभा सत्र की शुरुआत हो गई है। पहले दिन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत वर्चुअल माध्यम से सत्र से जुड़े। इस दौरान मुख्यमंत्री ने दिवंगत विधायक सुरेंद्र सिंह जीना और 4 पूर्व विधायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा के कर्मचारियों समेत कई विधायकों ने योग किया। पतंजलि योगपीठ की ओर से योगाचार्य द्वारा योग शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान आचार्य बालकृष्ण भी मौजूद रहे। सत्र में 4,063.79 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया। सत्र के पहले दिन विधायकों को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही अगले दिन सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। खबर कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की। एक तरफ दुनिया कोरोना वैक्सीन की राह देख रही है, वहीं दूसरी ओर कोरोना वायरस के नए रूप या कहें COVID-19 के नए वेरियंट ने लोगों की नींद उड़ा दी है। ब्रिटेन में वैक्सीन शुरू होने के बावजूद वायरस के नए वेरियंट की बात सामने आई है। इसको देखते हुए सऊदी अरब सरकार ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर 1 हफ्ते का प्रतिबंध लगा दिया है। सऊदी ने अपनी सीमाएं भी 1 हफ्ते के लिए सील कर दी हैं। इस बीच तुर्की ने भी ब्रिटेन, डेनमार्क, साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड की आने वाली फ्लाइट पर अस्थायी रोक लगा दी है। भारत ने भी रात 12 बजे के बाद से ब्रिटेन से आने वाली सभी फ्लाइटों पर रोक लगा दी है। वैज्ञानिकों की माने तो कोरोना का नया रूप पहले से 70% ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। वहीं दुनिया की बात करें तो अब तक 17 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत कोरोना महामारी के चलते हो चुकी है। खबर बैंक ऑफ बड़ौदा में भर्ती की। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 32 फायर ऑफिसर और सुरक्षा अधिकारी पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार इस नौकरी के लिए 8 जनवरी 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आवेदक के पास स्नातक डिग्री, BE और BTEC होना अनिवार्य है। इस सरकारी नौकरी में ग्रुप डिस्कशन, व्यक्तिगत साक्षात्कार, साइकोमेट्रिक टेस्ट पे प्रदर्शन के अनुसार कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। वेतनमान 24,000 से 46,000 प्रति माह रहेगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए आप आपकी स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों, न्यूज स्टूडेंट नेटवर्क आपको हमेशा अपडेट करता रहता है, इसीलिए आप वीडियो को देखने के साथ एक लाइक जरूर कर दें, जिससे हम आपको आपकी तरक्की से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। खबर गूगल फोटोज के नए फीचर की। एंड्रॉइड और आईफोन यूजर्स के लिए गूगल फोटोज एक महत्वपूर्ण ऐप है। यहाँ हाई क्वालिटी फोटोज फ्री बैकअप लिए जा सकते हैं। हालांकि कुछ महीने के बाद फ्री वाली स्कीम खत्म हो जाएगी। बहरहाल गूगल फोटोज में कुछ नए फीचर्स दिए गए हैं जिनके बारे में आपका जानना जरूरी है। आने वाले समय में गूगल फोटोज आपको ये भी दिखाएगा कि आपने किस रूट पे तस्वीर क्लिक की है। गूगल फोटोज के नए फीचर की बात करें तो इसमें नॉर्मल फोटोज को आप 3D इमेज बना सकेंगे। इन्हें सिनेमैटिक फोटोज कहा जा रहा है। इस फीचर से आप अपनी फोटो गैलरी की 2D इमेज को भी 3D में तब्दील कर सकेंगे। सिनेमैटिक फोटोज तैयार करने के लिए आप गूगल फोटोज की सेटिंग में जाकर मेमोरीज पर क्लिक करें। यहाँ एडवांस का ऑप्शन से आप सिनेमैटिक फोटोज पर टैप करके फोटोज को 3D बना सकते हैं। उत्तराखंडी शख्सियत में आज हम आपको बताने जा रहे हैं पंडित गोविंद वल्लभ पंत के बारे में। पंडित गोविंद वल्लभ पंत प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और वरिष्ठ भारतीय राजनेता थे। वे उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री और भारत के 4थे गृह मंत्री थे। सन 1957 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। गृह मंत्री के रूप में उनका मुख्य योगदान भारत को भाषा के अनुसार राज्यों में विभक्त करना तथा हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना था। पंडित गोविंद वल्लभ पंत का जन्म 10 सितंबर 1987 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में हुआ। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण उनकी परवरिश उनके नाना ने की। 1905 में उन्होंने अल्मोड़ा छोड़ दिया और इलाहाबाद चले गए। म्योर सेंट्रल कॉलेज में वे गणित, साहित्य और राजनीतिक विषयों के अच्छे विद्यार्थियों में सबसे तेज थे। अध्ययन के साथ साथ वे कांग्रेस के स्वयंसेवक का कार्य भी करते थे। 1907 में BA और 1909 में उन्होंने कानून की डिग्री हासिल की। इसके उपलक्ष्य में उन्हें कॉलेज की ओर से लैम्सडेन अवार्ड दिया गया। 1910 में उन्होंने अल्मोड़ा आकर वकाला शुरू की, जिसके सिलसिले में वे पहले रानीकेत गए और फिर काशीपुर में जाकर प्रेम सभा नाम की संस्था का गठन किया, जिसका उद्देश्य शिक्षा और साहित्य के प्रति जनता में जागरूक करना था। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।